नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। नवा रायपुर में नए उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ। सीएम भूपेश ने कहा 41 गांव के लोगों को पंजीयन की मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 29 में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया है। सीएम भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार जन सुविधा की दृष्टि से आम जनता से जुड़ी सेवाओं की प्रक्रिया के सरलीकरण और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नवा रायपुर में पंजीयन कार्यालय प्रारंभ होने से नवा रायपुर के 6 गांव, आरंग के 20 और अभनपुर विकासखंड के 15 गांव समेत कुल 41 गांव के लोगों को पंजीयन कार्य की सुविधा मिलेगी। अभी उन्हें पंजीयन के लिए 40 किलोमीटर दूर रायपुर आना पड़ता था। नवा रायपुर में इस कार्यालय के प्रारंभ होने से उनके समय और श्रम की बचत होगी। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में पंजीयन विभाग के बैकलॉग दस्तावेजों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कार्य और डिजिटल ई स्टॉम्प सुविधा का भी शुभारंभ किया। उन्होंने नवा रायपुर स्थित उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन कराने पहुंची ग्राम परसदा की रेखा कोसले से चर्चा की। कोसले ने मुख्यमंत्री को बताया कि वो मंदिर हसौद में जमीन खरीद रही है। मंदिर हसौद में उनकी 962 वर्ग फीट जमीन का पंजीयन हुआ है। कार्यक्रम में कोसले को पंजीयन के दस्तावेज सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 98 पंजीयन कार्यालय हैं। नवा रायपुर के इस कार्यालय को मिलाकर अब 99 पंजीयन कार्यालय हो जाएंगे।